कोवर्ट मैनेजमेंट अप्रोचेज हैं। उसके बाद है डायमेंशंस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। देर आर फोर डायमेंशंस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, एक्टिविटी, क्लाइमेट, टाइम एंड स्पेस। एक्टिविटी से मुराद ये है कि टीचर जिन क्लास में जो पढ़ा रहे हैं तो उसको एक्टिविटी बहुत अच्छी तरह से एहतियात से चूज करनी चाहिए ताकि बच्चों का इंटरेस्ट, इंगेजमेंट उसके अंदर रहे और वो एक्टिवली इंगेज रहेंगे तो साझा है वो डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। दूसरा है क्लाइमेट, तो टीचर को इमोशनल साइकोलॉजिकल क्लाइमेट भी मेंटेन रखना चाहिए। क्लाइमेट से क्या मुराद है कि टीचर जो है वो क्लासरूम के अंदर जो है उसको उसकी कन्वर्सेशन, उसका आई कांटेक्ट, उसकी वर्बल नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो सारी जो है वो इस तरह से होनी चाहिए कि बच्चा इमोशनली साइकोलॉजिकली इंगेज रहे, ठीक है। यानी वो अप्रिसिएशन दे रहा हो, वो उसको टोकन इकोनॉमी को फॉलो कर रहा हो, यानी बच्चों को दाद दे रहा हो, उनको तसल्ली दे रहा हो, जो ना कर सक रहे हो उनको सपोर्ट कर रहा हो। तो इमोशनल और साइकोलॉजिकल दोनों तरह का, इमोशनल से मुराद ये है कि बच्चों को मोटिवेट कर रहा हो कि भाई तुम कर सकते हो, और साइकोलॉजिकल से मुराद ये है कि बच्चों की नीड, इंटरेस्ट, उसके अकॉर्डिंग उनको जो है वो इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे रहा हो। टाइम, टाइम जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। टाइम, डिवोशन ऑन डायरेक्ट लर्निंग, थिंकिंग, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद है स्पेस, क्लासरूम में स्पेस को किस तरह से टीचर यूज़ करे। अब ये मुख्तलिफ जो है अगर आप देखें, ये ट्रेडिशनल है, सीधी रोज में बैठना, लाइनों में बैठना, ये राउंड टेबल है, ये हॉर्स शू यू शेप जिसे हम शेप बोलते हैं, ये डबल हॉर्स शू है, ठीक है, यू शेप में दो दो ग्रुप्स बैठ जाएंगे, ये ग्रुप पॉड्स है, और यानी ग्रुप्स की शक्ल में बच्चे बैठेंगे चार चार पाँच पाँच के, और ये पेयर पॉड्स है, इसमें टीचर जो है वो बच्चों को पेयर की शक्ल में बिठाता है। ये मॉड्यूलर अरेंजमेंट है थोड़ी सी। अब इसमें ये भी ग्रुप की शक्ल में ये वाली अरेंजमेंट है, ये अगर आप देखें तो ये कुछ क्लासरूम की स्पेस को मैनेज करने की अरेंजमेंट है। स्पेस जो है ना एलिमेंट्री स्कूल के लिए 0.6 मीटर स्क्वायर चाहिए होती है, और सेकेंडरी स्कूल के लिए, हाई स्कूल के, यानी 8वीं तक 0.6 मीटर, एक क्लासरूम के अंदर एक बच्चे को मिनिमम इतनी स्पेस चाहिए होती है, 0.6 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर चाहिए सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए, और 1.2 मीटर स्क्वायर स्पेस चाहिए हायर सेकेंडरी स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए। क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल, देर आर फोर क्लासरूम।